राहुल गांधी कहते हैं कि मुझे वहाँ अभी घूमने जाना है तो क्या वहाँ पे जाने भी देना चाहिए, क्योंकि वो क्या है वहाँ पे माहौल खराब करेंगे। पहले वैसे ही अपोजिट खड़े हैं वो माहौल खराब करेंगे, उन्हें भी जाने देना चाहिए वहाँ पे। अच्छा, उनकी बहन का नाम आपको पता क्या है? प्रियंका गांधी वाड्रा, वो सोनभद्र में थी आज उत्तर प्रदेश में, वो कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी तरीके से जो हटाई गई, क्या कहेंगे? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, जो लोग इसके अपोजिट खड़े हैं उनको बहिष्कृत कर देना चाहिए, हिंदुस्तान से बहिष्कृत कर देना चाहिए। एकदम एकदम सही में। तो क्या लगता है आपको, जो भाषा जो धारा 370 को हटाने में जो हमारे आंतरिक मामला है, हमारे देश का अपना मामला है, उसमें जो पाकिस्तान को मिर्ची लग रहा है, तो पाकिस्तान को मिर्ची लगना तो लाजमी है, चलो वो ये हमारा दुश्मन देश है या पड़ोसी, उसकी आदत ही वही है। लेकिन हमारे देश के अंदर में जो हमारे अपोजिशन पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो उस पद पर रहे हैं, जो गृहमंत्री भी रह चुके हैं, पी चिदम्बरम ने का बयान था कि ये गैरकानूनी है, तो ये तमाम जो नेता जो बयान कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे? मैं उनको यही कहूँगा कि उनको इस भारत से ही ना पूरा बहिष्कार कर देना चाहिए, ऐसी पार्टियों को बिल्कुल बहिष्कार कर देना चाहिए, और हो सके तो इनको यहाँ ये देशद्रोह ऐसा ही बताएं। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ और मुझे वहाँ जाने दीजिए, तो क्या कहेंगे वो? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो 370 धारा है ना, उससे पब्लिक वहाँ की प्रभावित नहीं है, जो ये पार्टी होती है वो प्रभावित है, उसका जो जन अस्तित्व है वो ख़त्म हो रहा है। इसके वजह से ये जो राजनीति बेला जा रहा है, राजनीति इस पर किया जा रहा है, लेकिन वहाँ की जनता कोई प्रभावित नहीं है। अगर जनता प्रभावित रहती तो ईद भी अच्छा से नहीं मानता कोई, जब 370 हटा वहाँ पर कुछ नहीं हुआ, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, केवल ओनली ये जो राजनीतिक दल है वहाँ के, छोटे छोटे दल हैं, वो अपना रोटी सेकने के चक्कर में आदमी को भड़का रहा है, उत्साह रहा है, ठीक है, उससे और कोई प्रभावित नहीं है, ना वहाँ की जनता प्रभावित है, ना कोई प्रभावित है, बस राजनीति है, उल्टा पुल्टा बोलेंगे और जो करा सकते हैं दंगा फसाद। लेकिन उनसे पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं जो हमारे अपोजिशन पर, ताकि लॉ एंड ऑर्डर में जो है, नहीं नहीं देखिए, रहने को भारत में बहुत लोग हैं, खाते यहाँ के हैं, गाते पाकिस्तान के हैं, क्या कि उनका जो चल रहा है, उनका जो चल रहा है, जो रोटी रोटी चल रहा है, वो समझ जाइए कि उसी भाषा पे चल रहा है, जब तक वो पाकिस्तान की भाषा ना बोलें। सर, गैर कानूनी का तो ऐसा है कि सारे अपने खुद के ओपिनियंस होते हैं, बट ये कि जब देश का गृहमंत्री और प्रधानमंत्री कोई डिसीजन ले रहा है एंड उसके ऊपर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि वो असंवैधानिक है या फिर ऐसा कुछ है। और अगर असंवैधानिक है, उसके बाद भी ये है कि वो लोग जो कश्मीरी नेता है, वो लोग उसमें सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा, कि क्योंकि ये लोकतंत्र है, कोई भी बोल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज बोला है कि धारा 370 का मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा था, बहुत लंबा मामला था, उसमें सरकार को अभी समय चाहिए वो व्यवस्था होने में, जब तक के लिए वहाँ पे जो है लॉ एंड ऑर्डर जब ठीक ठाक से काम नहीं करता है, तब तक के लिए सरकार को समय देना चाहिए, इतना लंबा पुराना मामला है, वो इतना जल्दी ठीक नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसमें सरकार को अभी समय चाहिए, वो कोई सुनवाई नहीं होगी, क्या कहेंगे? सर, वो तो सुप्रीम कोर्ट का एक देखे तो सही डिसीजन है, क्योंकि अगर आप देखो तो विपक्षी पार्टी के नेता ये बोल रहे हैं कि सरकार ने हमको एकदम कवर अप कर दिया, किसी को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, दैट मीन्स कि वहाँ पे ना स्थिति ऐसी है कि सारे डरे हुए हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप सोचो कि अगर ऐसा डिसीजन गवर्नमेंट नहीं लेती, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती थी, तो वो एज ए प्रिकॉशन गवर्नमेंट ने लिया। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि अगर सरकार को मौका देना चाहिए तो दैट इज़ फाइन। कल ईद था तो सब लोगों ने ईद मनाया, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार लगातार जो है कानून व्यवस्था देख रहे हैं। और जहाँ तक जो अपोजिशन की जो सबसे बड़ी पार्टी थी, पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जिनके जो है पूर्वजों ने जो है इस धारा 370 को एक अस्थायी रूप से जो है साइन किया था और उसको हटाया गया, उसमें कोई कानून लेने की जरूरत नहीं, कोई पार्लियामेंट में लेने की, राष्ट्रपति ने उस समय जो है उसको लागू किया था, ये भी लिखा हुआ है कि अस्थायी है, जब भारत के राष्ट्रपति जो है इसको अनुकूल लगेंगे वो उसको जो हटा सकते हैं। तो अगर ये सब हो गया तो राहुल गांधी भाई कह रहा है कि मैं जम्मू एंड कश्मीर में तत्काल अभी जान जाऊंगा, और बहन कह रही है कि ये जो गैर कानूनी है, तो आप क्या कहेंगे ऐसी इस पार्टी के नेताओं को? सर देखिए, जैसे आपने जैसे पुरानी बातें की, उस टाइम पे ये अस्थायी लागू हुआ था क्योंकि वहाँ पे ऐसी रिक्वायरमेंट थी, बिकॉज हमको कश्मीर को अपने देश में इंक्लूड करना था, बट ये एक अच्छा साइन है कि वहाँ के जो उपराज्यपाल है वो उनको इन्वाइट कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, उनको जाके वहाँ पे देखना चाहिए, बिकॉज उनका बोलने का ये है कि क्योंकि उमर अब्दुल्ला जो इसके गुलाम नबी आज़ाद जी जो गए थे उनको एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया था,
उसके एवज में उन्होंने ये बोला, बट आई थिंक कि अगर वो इनवाइट कर रहे तो उनको खुद को वहाँ पे जाना चाहिए। प्रियंका गांधी पे क्या बोलेंगे आप? आप क्या कहेंगे? आई हैव नो आईडिया सर। आपको आईडिया है? आप सोनभद्र में प्रियंका गांधी वाड्रा। आई डोंट लाइक प्रियंका गांधी और वी ऑल लाइक नरेंद्र मोदी। तो मतलब मैं, मुझे तो मोदी जी बहुत अच्छे लगे इसके लिए। ये मोदी जी तो इतना कुछ किया है, ये तो 7 जन्म तक दूसरा कोई भी आएगा ना नहीं कर सकता था। पहले भी आखिर बहुत गया था लेकिन कोई कर नहीं सका, इतना हिम्मत किसी को नहीं था। अगर भारत बादशाह में ये भारत बादशाह में ये हिंदुस्तान में इंडिया में मोदी बार बार आना चाहिए, मोदी का जैसा सरकार ऐसा सारी जिंदगी के लिए आना चाहिए। चलो ठीक है, बहुत अच्छा, अब नहीं रहे, मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो देश के अंदर में जो अनुभवी नेता है जिन्होंने राज किया है, जो आज सरकार में नहीं है अपोजिशन में है, तो कम से कम उनको जो है, एक राष्ट्रीय मामला था हमारा जो बहुत ज़्यादा पेचीदगी था, वहाँ से जो है आतंकवादी आते थे, बहुत डिस्टर्ब था, अगर उसको जो है मुख्य धारा में ले आए तो जो हमारे जो यहाँ जो अपोजिशन पार्टी में जो जो हर किसी को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो लोग अपोज क्यों कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अगर ये वो लोग क्योंकि कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग का अलग अलग मर्जी है, मगर जो काम किया है मोदी जी ने ये एकदम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जितना भी तारीफ करे उतना ही काम है, वी लव मोदी जी, उतना ही काम है। कारण उनका जैसे लीडर हिंदुस्तान तो छोड़िए, हर दुनिया में एक लीडर होना चाहिए जैसे कि मोदी जी का जैसा। एक बात और आप बताइए, आप इतना कह दीजिए कि जो लोग इसके अपोज में बात करते हैं, जो लोग इसके अपोज में बात करते हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, उन पार्टी के नेताओं को जो बड़े नेता हैं, उनको क्या? पार्टी के नेताओं को मुझे कुछ कहने का कोई हक ही नहीं है, वो लोग बहुत अनुभवी है, बहुत मुझसे तो बहुत ही ज़्यादा समझदार है, लेकिन मोदी जी ने जो किया वो बहुत अच्छा किया। जो अपोज कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि ये गैरकानूनी है, वो नहीं होना चाहिए था, तो उसके उनके लिए क्या? बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि वो तो फिर पार्टी आ जाएगा ना। जो इतना दिन में जो करने के लिए कोशिश कर रहा था, जो वल्लभ भाई सरदार जी वल्लभ भाई पटेल ने भी कोशिश किया है, वो लोगों ने जो सोच के रखा था, अभी जो मोदी जी ने किया है वो सबसे अच्छा किया है, सबसे बढ़िया किया है। आप क्या कहेंगे जो कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी? मगर जो कश्मीर हमारा, कश्मीर हम लोग का देश का एक अंश है, जो इसको जो मोदी जी ने जो किया है एकदम बिल्कुल सही किया है। ठीक है, राशिद मलिक, यस। अब बताओ, धारा 370 कस्बे से जो 70 सालों से नासूर बनी हुई थी वो सरकार ने हटा दी है, और उसको हटाने से जो अस्थायी थी उसको रिमूव होना ही था एक दिन। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, बड़े नेता, वो कहते हैं कि ये गैरकानूनी तरीके से हटाई गई है, जैसे आज प्रियंका गांधी ने बोला सोनभद्र में कि ये गैरकानूनी तरीके से हटाई गई, क्या कहोगे? धारा 370 हटाना एक बहुत बड़ी जीत है बीजेपी के लिए अपने आप में, क्योंकि ये बहुत पहले से बीजेपी ने वादा भी करा था अपने मैनिफेस्टो में कि धारा 370 हम ख़त्म करेंगे। वो चैलेंज करते थे विपक्षी पार्टियां कि ये काम नहीं कर सकते, अमित शाह के गृहमंत्री बनते ही अमित शाह ने ये कर दिखाया। और धारा 370 का मामला है, जैसे अच्छा है धारा 370 हट गई कि हम उसमें निवेश कर सकते हैं, अब जम्मू कश्मीर के अंदर हर काम कर सकते हैं, हम प्लॉट खरीद सकते हैं, ये अच्छी चीज़ है, हर चीज़ कर सकते हैं हम वहाँ, तो एजुकेशन लेवल पे अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। जो गलत टिप्पणी है वो नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो हुआ वो सही हुआ, आपका कहने का मतलब। अब आप ये बताइए, जो अपोजिशन के नेता हैं जैसे राहुल गांधी के जो नेता हैं, जो पहले गृहमंत्री रह चुके हों, चाहे वो बहुत बड़े पदों पे हों, चाहे गुलाम नबी आज़ाद हों, ये हमेशा जो है अपोज कर रहे हैं, तो उनको क्या फ़ायदा हो रहा है? वो ऐसी बात बोलेंगे जो पाकिस्तान बोलता है, तो क्या कहेंगे उस उनकी बातों को लेकर के पाकिस्तान जो है अपने मीडिया में दिखा रहा है, क्या कहोगे? नहीं, विपक्षी पार्टी का तो एक दूसरे पर दाव मारना ही होता है, क्योंकि उनसे उनकी दाल तो गलेगी नहीं। विपक्षों का तो एक ही काम है कि आगे पीछे उनका समर्थन करना या ना समर्थन करना, लेकिन देखने वाली ये भी बात है कि उधर जम्मू कश्मीर के हालात है, सरकार उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही। जम्मू कश्मीर में बहुत बेकार भी हालात है, वहाँ ईद मनाई नहीं जा रही, बहुत कम में कर्फ्यू भी है बहुत जगह, सरकार ने बहुत ढील दी है, लेकिन उसके बावजूद भी अब भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार ने नहीं दिखाई,
जो सरकार बताने नहीं चाहती, जो अमित शाह दिखाने नहीं चाहते, बहुत चीजें ऐसी जो 70 साल से नासूर बना हुआ है। जब कोई इलाज जो है बहुत पुराना हो जाता है ना, अगर उसकी सर्जरी हुई है और उसका ऑपरेशन हुआ है ना, तो कुछ दिन रेस्ट चाहिए होता है। तो आप क्या चाहते हैं कि कल जो है एक हफ्ते के अंदर में जो है समस्या सॉल्व हो जाएगी? उसके लिए समय चाहिए। सब लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर जो है उम्मीद बनाई लोगों ने, सब कुछ है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जायजा ले रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और जब आप नेगेटिव में जाओगे तो नेगेटिव ही दिखेगा, धीरे धीरे सब हो जाएगा। इतने पुरानी बीमारी है, उसको ठीक होने में वो लगेगा। लेकिन जहाँ तक जैसे प्रियंका गांधी है, प्रियंका गांधी कहती है आज की वो गैर कानूनी तरीके से हटाई गई, तो क्या कहेंगे प्रियंका गांधी को? उसको तो समर्थन करना चाहिए। वो प्रियंका गांधी ने अपनी तरफ से कहा है, क्योंकि जो विपक्षी पार्टियों को इस चीज़ का पता नहीं था, इस चीज़ का कुछ भी पता नहीं था, ये एकदम धोखे से हुआ है, एकदम बिल्कुल ही छुपे रुस्तम की तरह करा है। पहले 5-6 दिन पहले कश्मीर के छात्रों को वहाँ से निकाल दिया गया, टूरिस्टों को भेज दिया गया, ये सब एक अमित शाह की एक चाल थी, जो चाल कहते हैं कुछ भी कह दो, जैसे उसे मतलब जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 धारा लाने का हटाने का समक्ष था। तो हटनी थी, ये तो अस्थायी थी, वो तो टेम्परेरी धारा थी, उसको तो हटना ही था एक दिन, क्योंकि विपक्षी तो अपना हमला करेंगे दूसरी पार्टी पे। क्यों करेंगे हमला, क्यों करेंगे? जब वो संवेदनशील मामला था वहाँ तो सुनो 70 साल से वहाँ पर क्या हुआ? कोई विकास हुआ? पैसा गया इतना, कहाँ गया वो पैसा? सरकारों पे। किसने लिया, क्यों नहीं लगा वहाँ पे? वहाँ के लोग जो है बेरोजगार क्यों हैं? पत्थरबाजी क्यों करते हैं? 500 रुपए दे करके वो पत्थरबाजी क्यों करते हैं? नहीं, वो 500 रुपए देने का सवाल नहीं है, वो अपने खिलाफ अपने कुछ कट्टरपंथी होते हैं जो अपने लिए ज्यादा जो जैसे अलगाववादी नेता होते हैं, ये इन्हें उकसाते हैं लोगों को, वहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों को उकसाते हैं। पैसों की कोई बात नहीं है, उन्हें उकसाते हैं, उनके बीच बयानबाजी कैडी बयानबाजी करते हैं, उन्हें पाकिस्तान के पक्ष में लाने की कोशिश करते हैं, इसलिए वे अपने उसमें हो जाते हैं।